नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी। राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से जिला और ब्लॉक स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियों के इंतजार में बैठे हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं का इंतजार लंबा होता जा रहा है। सरकार का आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अब भी तस्वीर साफ नहीं है। पहले आपसी खींचतान और अब कोरोना की दूसरी लहर के कारण कांग्रेस में करीब 30,000 राजनीतिक नियुक्तियां अटक गई हैं। कोरोना से हालत सामान्य होने तक इसके आसार भी कम हैं। जिला और ब्लॉक स्तर की सरकारी कमेटियों में हजारों की तादाद में राजनीतिक नियुक्तियां लंबित हैं। सरकार और संगठन में फिलहाल कोई भी नेता यह बताने की हालत में नहीं है कि राजनीतिक नियुक्तियां कब होंगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कोरोना के हालात सामान्य होने के बाद ही जिला और ब्लॉक स्तर पर सरकारी समितियों में राजनीतिक नियुक्तियों की बात कही है। कांग्रेस में संगठन स्तर पर कवायद लगभग पूरी हो चुकी थी। प्रदेश स्तर पर कुछ राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं। हाईकोर्ट के आदेशों की वजह से कई संवैधानिक आयोगों में नियुक्तियां करना जरूरी था, इसलिए भी प्रदेश स्तर पर कई नियुक्तियां पहले हो गई हैं। जिन जगहों पर रिटायर्ड अफसरों को नियुक्तियां देनी थी वहां समय पर काम पूरा हो गया। अब नेता और कार्यकर्ताओं का इंतजार लंबा होता जा रहा है। राजनीतिक नियुक्तियों के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने पहले 31 जनवरी तक की डेडलाइन दी। जब तय वक्त पर नहीं हुई तो माकन ने कह दिया कि डेडलाइन कुछ नहीं होती। अब प्रदेश प्रभारी भी राजनीतिक नियुक्तियों पर मौन साधे हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस ने फरवरी में ही कांग्रेस विधायक और कार्यकारिणी में शामिल नेताओं से राजनीतिक नियुक्तियों वाले कार्यकर्ताओं के नाम मांगे थे। पहले फेज में 12,000 राजनीतिक नियुक्तियों के लिए ही नाम मांगे थे। विधायक और नेता प्रदेश कांग्रेस को नाम भी दे चुके। कांग्रेस विधायक और नेता विधानसभा के बजट सत्र से पहले ही राजनीतिक नियुक्तियों के लिए सिफारिश कर चुके थे, लेकिन पहले विधानसभा के बजट सत्र के कारण काम अटक गया। उस वक्त अजय माकन ने भी कहा था कि विधानसभा बजट सत्र के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। न राजनीतिक नियुक्तियां विधानसभा के बजट सत्र के खत्म होने की 3 सीटों पर उपचुनाव आ गए और इसके बाद कोरोना की दूसरी लहर आ गई। इस तरह किसी न किसी बहाने कांग्रेस नेताओं की राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। जिला और ब्लॉक स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियां देने के लिए पिछले साल भी कवायद पूरी कर ली गई थी, लेकिन सचिन पायलट खेमे की बगावत की वजह से काम बीच में ही अटक गया था। उस समय कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने सभी विधायकों को और पार्टी पदाधिकारियों से नाम मांगे थे, लेकिन नियुक्तियां नहीं हो पाई थी। इसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज़।